हेलो ऑल एंड वेलकम टू रिकॉग्निशन आईएएस। हम लोग अपने सीसैट की सीरीज देख रहे थे और इस सीसैट की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ये डायरेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि हमारे सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन एज वेल एज इन आवर यूपीपीसीएस और अदर पीसीएस एग्जामिनेशन सीसैट में इस तरीके के क्वेश्चन लगातार आते ही रहते हैं। 2 to 3 क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएंगे इस तरीके के। अगर क्वालिटी के बारे में बात करें तो देखिए काफी आसान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करना, बस आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी होती है और आपको 2 to 3 क्वेश्चंस नियरली आपको 8 to 10 मार्क्स जो होते हैं बहुत आराम से आ जा रहे होते हैं। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। स्टार्ट करने से पहले हमारे कुछ कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं जिनको कि आप लोग यूज कर सकते हैं अपने डाउट पूछने के लिए या फिर हम तक रीच आउट करने के लिए। इसके अलावा हमारे कुछ कोर्सेज भी अवेलेबल हैं जिनको आप अपने यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए यूज कर सकते हैं। दीज आर प्रीलिम्स स्पेशल as well as mains special courses. You can also subscribe us for test series and these are the ongoing test series in these prizes. तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन आ जाता है ये। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको केवल और केवल एक ही टेक्निक देखनी होती है और वो होती है डायरेक्शन। तो डायरेक्शन के लिए आप इस तरीके से बना लिया करिए, यहाँ पर ईस्ट हो गया, यहाँ पर वेस्ट हो गया, यहाँ पर नॉर्थ हो गया और यहाँ पर साउथ हो गया। तो इस तरीके से हमारे पास फोटो आ चुकी है। अब हम लोग इसी फोटो के सहारे फटाफट सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर देखेंगे क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन देखिएगा तो ए इज 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी। अब देखिए साउथ वेस्ट ये हो गया, साउथ वेस्ट ये हो गया, साउथ ईस्ट ये हो गया, नॉर्थ ईस्ट और ये हो गया नॉर्थ वेस्ट। तो बोलता है 40 मीटर साउथ वेस्ट ऑफ बी, तो मान लेते हैं बी यहां पर कहीं पर है, यहां पर बी है, तो इससे 40 मीटर की दूरी पर कौन है, ए है। तो यहां पर कहीं पर ए होगा, ये हो गया आपका 40 मीटर। सिमिलरली देखिए बोल रहा है साउथ ईस्ट ऑफ बी सी है, तो यानी सी कुछ इधर हो गया, ये भी 40 मीटर पे हो गया, यानी एक दूसरे के क्या हो गए, सीधी लाइन में हो गए। क्यों? क्योंकि ये बन गया आइसोसेलेस ट्रायंगल, 40-40 इस तरीके से बन गया ना। देखिए यहां पर ये हमारा बी है, ये हमारा ए हो गया, ये हमारा सी हो गया, यह भी 40 है और ये भी हमारा 40 है। तो यानी ये दोनों के दोनों क्या हो गए, एक लाइन में आ गए। यानी पूछ रहा है कि सी ए के डायरेक्शन से कहां पर है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए सी इज इन कहां पर, ईस्ट डायरेक्शन में आ जा रहा होगा। अगर वही क्वेश्चन उल्टा पूछ देता कि सी के रिस्पेक्ट में ए कहां पर है, तो सी के रिस्पेक्ट में ए हो जाता आपका वेस्ट। फिलहाल आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ईस्ट। तो आई होप आप लोग को ये क्लियर हो गया होगा, काफी आसान होते हैं इस तरीके के क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन के बारे में बात करें, अगेन हम लोग यहां पर फटाफट डायरेक्शन बना लेंगे। ये बन गया ईस्ट, ये बन गया वेस्ट, ये बन गया नॉर्थ, ये बन गया साउथ। अब देखिए बोलता है गौरव जो होता है वो 20 मीटर नॉर्थ चल रहा है, तो मान लेते हैं गौरव यहां कहीं पर है और ये चला गया हमारा 20 मीटर नॉर्थ, 20 मीटर ये चल गई नॉर्थ। ही देन टर्न्स लेफ्ट। अब देखिए यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान ये रखना है डायरेक्शन का, अपने हाथ का। मान लेते हैं ये आप हैं और ये आप सामने की ओर फेस कर रहे हैं, दिस इज योर फेस, ये मान लीजिए आपका फेस हो गया। तो आप जब सामने की ओर फेस करेंगे तो ये आपका जो ये हैंड है, ये जो राइट साइड में आपका हैंड है, एक्चुअल में ये कौन सा हो गया, लेफ्ट साइड का हैंड, और ये बन गया राइट साइड का हैंड। वही आप अगर मान लीजिए यहां पर आप अपना बाल दिखा रहे हैं, दिस इज योर हेड, और आपका जो फेस है वो इस सामने की ओर फेसिंग है, तो अब क्या हो जाएगा, ये आपका लेफ्ट हो जाएगा और ये आपका राइट हो जाएगा, जैसे कि आप नॉर्मल पोजीशन में देख रहे होंगे। इन्हीं दोनों पोजीशन को बेसिकली आपको यूज करना रहेगा। एक बार आपने अपना फोटोग्राफ बना लिया, मतलब कि आपने ये फिगर बना लिया, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो अब देखिए, अब ये बंदा किधर के साइड में है, नॉर्थ के साइड में है, यानी पोजीशन कौन सी हो गई, ये वाली पोजीशन हो गई। अब बोलता है कि ही देन टर्न्स लेफ्ट, तो यानी लेफ्ट हो गया ये वाला डायरेक्शन, 40 मीटर चला जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, 40 मीटर घुमा देते हैं। ही देन टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 40 मीटर। अब देखिए यहां पर जब हो गया तो फेसिंग इधर है, इसका लेफ्ट इधर हो गया लेफ्ट, ये किधर जा रहा है, 20 मीटर और जा रहा है, पहुंचा देते हैं इसको 20 मीटर। फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब देखिए किधर के साइड में फेसिंग है, अब बन गया ये वाला फेसिंग, और बोलता है ही देन मूव्स 40 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट। अब यहां पर बोलता है कि फर्दर ही मूव्स 20 मीटर आफ्टर टर्निंग टू द राइट, यानी कि अब यहां पर ये बंदा आ गया, यानी यहां कर इसकी पोजीशन देखें तो ये कौन सी हो गई, ये वाली पोजीशन हो गई, और यहां पर बोलता है कि 20 मीटर राइट जाना है, तो 20 मीटर को राइट पहुंचा देते हैं, तो ये पहुंच गया यहां पर कहीं पर। अब बोल रहा है कि ये अपने पुरानी पोजीशन से, मतलब इस पोजीशन से कितनी दूर है, तो ये देखिए आपका 40 मीटर ये हो गया, 20 मीटर ये हो गया, टोटल कितनी हो गई, 60 मीटर, बस बात खत्म। तो बस आपको एक फोटोग्राफ बनानी होगी और अल्टीमेटली आपका सारा आंसर निकल के आ जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको आप लोग पॉज बटन दबा करके फटाफट जरा खुद सॉल्व करिए और उसके बाद से हम लोग मिलाएंगे इसका आंसर। तो चलिए खैर, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा इसका सोल्यूशन। अगर फटाफट देखें तो देखिए, अगेन मैं ये फोटोग्राफ बना लूंगा, ये बन गया ईस्ट, ये बन गया वेस्ट, ये बन गया नॉर्थ, ये बन गया साउथ हमारा। अब देखिए क्वेश्चन पढ़िए, आफ्टर वॉकिंग 6 किलोमीटर आई टर्न्ड राइट, मान लेते हैं, चलिए ठीक है, मैं जो होता है 6 किलोमीटर चल रहा हूं, चलिए ठीक है 6 किलोमीटर मैं चल गया। अब इसके बाद से क्या हो रहा है, मैं राइट मुड़ जा रहा हूं, तो हमारा राइट कौन सा हो गया, ये वाला राइट हो गया। एंड कवर्ड अ किलोमीटर ऑफ 2 किलोमीटर, चलिए ठीक है 2 किलोमीटर मैं यहां पर भी चल गया। फिर उसके बाद से देन टर्न लेफ्ट, अब मेरा लेफ्ट कौन सा हुआ, ये वाला लेफ्ट हो गया, चल गया हम। अब 10 किलोमीटर चल रहा है, चलिए खैर चल गए 10 किलोमीटर। इन द एंड आई वॉज मूविंग टुवर्ड्स नॉर्थ, तो लकीली देखिए ये बोल रहा है कि नॉर्थ साइड में जा रहा है और ये लकीली मैं भी नॉर्थ साइड में ही मूव कर गया हूं। अब बोलता है कि फ्रॉम विच डायरेक्शन डिड आई स्टार्ट माई जर्नी, तो ऑब्वियस ही बात है इस पोजीशन से, अगर आप देखेंगे इस पोजीशन को तो बेसिकली किधर हो गया इसके बताइए, किधर चला गया, ये बन गया हमारा ईस्ट, ये बन गया वेस्ट, ये बन गया नॉर्थ, ये बन गया साउथ, यानी कि मैंने स्टार्ट कहां से किया था, साउथ से किया था, मैंने यहां पर स्टार्ट साउथ से किया था। मान लेते हैं इफ इन केस आपने ये फोटोग्राफ ना बना करके कुछ ऐसा फोटोग्राफ बनाया रहता कि 6 किलोमीटर हम लोग इस डायरेक्शन में चले गए हैं, फिर उसके बाद से क्या होता है, आई टर्न राइट, चलिए ठीक है हम राइट मोड़ लेते हैं, राइट में मुड़ गए और राइट में मुड़ने के बाद हम लोग 2 किलोमीटर चले गए थे। इस 2 किलोमीटर चलने के बाद फिर हम लोगों ने लेफ्ट मूव किया था। अब मान लेते हैं लेफ्ट, यानी लेफ्ट कौन सा हो गया, ये आपका फेस इधर है, यानी लेफ्ट आपका कौन सा हो गया, ये हो गया लेफ्ट आपका। तो लेफ्ट जा करके आप फिर से 10 किलोमीटर चले आ रहे हैं। 10 किलोमीटर जाने के बाद बोलता है कि आपकी ये जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ, तो कुछ नहीं करना है, बस आपको नॉर्थ में तुरंत एक फोटोग्राफ ऐसे बना लेना है। अगर ये नॉर्थ है तो ये बन गया साउथ, यहां बन गया ईस्ट और यहां बन गया वेस्ट। अब आपका पुरानी पोजीशन कौन सी हो गई, पुरानी पोजीशन इस फोटोग्राफ के हिसाब से देख लीजिए, बन गई है साउथ, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको क्या है कि अपना ये डायरेक्शन वाला जो स्केल है इसका साथ नहीं छोड़ना है। क्लियर हो गया, तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। देखिए इस तरीके से क्वेश्चन आ जाती है जहां पर आपको एक पैराग्राफ दे दिया होगा और उसके बाद से डिस्टेंस के बारे में बात किया होगा। तो देखिए यहां पर फटाफट जरा लोकेट कर लेते हैं क्या बोलता है। अगेन हमारा यही वाला फंडा चल रहा होगा, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ। चलिए ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। तो हमारे कुछ 9 घर के बारे में बात कर रहे हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। बोलता है कि कोई घर बी है, मान लेते हैं यहां पर घर बी है और बी से 2 किलोमीटर ईस्ट में, तो 2 किलोमीटर ईस्ट में कौन है, सी है, चलिए ठीक है ये हो गया 2 किलोमीटर पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सी हम लोग पकड़ लिए हैं, बी के बगल में आ गया। फिर बोलता है ए जो है वो 1 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ बी है, तो बी के नॉर्थ में चले जाइए, 1 किलोमीटर की दूरी पे चले जाइए और यहां पर आपको मिल जाएगा कौन, ए मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एच जो है वो 2 किलोमीटर साउथ ऑफ ए, तो ए के साउथ में चले जाइए 2 किलोमीटर, 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर और नीचे चले जाएंगे तब आपको मिल जाएगा कौन, यहां पर मिल जाएगा एच। तो एच भाई साहब की भी पोजीशन आ गई। बोलता है कि जी जो है वो 1 किलोमीटर वेस्ट ऑफ एच है, तो एच के वेस्ट में चले जाइए 1 किलोमीटर की दूरी और आपको मिल जाएगा जी, ठीक है। तो जी वाले भाई साहब भी आ गए। कहता है कि डी जो है वो 3 किलोमीटर ईस्ट ऑफ जी है, तो जी के इसके 3 किलोमीटर ईस्ट में चले जाना है, तो हमें ईस्ट डायरेक्शन इधर जाना है। 1 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर और पहुंच गए, ये हो गए 2 किलोमीटर और 2 किलोमीटर के बाद में हमें मिल जाएगा हमारा डी का घर, चलिए ठीक है डी भी चलेगा हम। एफ जो है वो 2 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ जी, जी के 2 किलोमीटर ऊपर जब आप जाएंगे, 2 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर बी का आ गया, दूसरा किलोमीटर ए वाला आ गया, तो यहां पर आपको मिल जाएगा एफ का घर, दिस इज 2 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिर उसके बाद बोलता है कि आई जो है वो सिचुएटेड जस्ट इन द मिडिल ऑफ बी और सी के बीच में है, तो बी और सी कहां है, बी और सी यहां पे है, इन दोनों के जस्ट मिडिल में, यहां पर कहीं पर 1-1 किलोमीटर की दूरी के बीच में, यहां पर घर किसका आ जा रहा है, ये घर आ जा रहा है आपका आई का, दिस इज आई, यहां पर आई का घर है, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद बोलता है कि जो ई है वो एच और डी के बीच में है, तो एच यहां पर है, डी यहां पे, अगेन यहां पर बीच में 1-1 किलोमीटर की दूरी पे ये आ जाएगा आपका कौन, ई आ जाएगा, तो चलिए ठीक है ई भी हमारा आ गया। तो यानी हमारा फोटोग्राफ क्लियर हो चुका है, ये हमारी पूरी की पूरी घर की सिचुएशन है। अब फटाफट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो बोलता है डिस्टेंस बिटवीन ई और जी के बीच की दूरी क्या है, तो देखिए ई हमारा यहां पर है, जी हमारा यहां पर है, तो 1 किलोमीटर ये हो गया, 1 किलोमीटर ये हो गया। एक काम करते हैं हाईलाइटर ले लेता हूं,
ओके तो ई हमारा यहां पर है, जी हमारा यहां पर है, इन दोनों के बीच की दूरी 1 किलोमीटर, ये 1 किलोमीटर, ये यानी कितना हो गया 2 किलोमीटर, तो आंसर हो जाएगा 2 किलोमीटर वाला, बात खत्म। डिस्टेंस बिटवीन ए एंड एफ, ए कहां पर है, ए देखिए मेरा यहां पर है, एफ कहां पर है हमारा, एफ इज वेयर, वेयर इज आवर एफ, एफ यहां पर है देखिए, तो इन दोनों के बीच की दूरी क्या है, सीधी सी बात है 1 किलोमीटर, नीचे लिखा तो है, तो ये भी बन गया 1 किलोमीटर, तो ए और एफ के बीच की दूरी हो जाएगी 1 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं है। ई और आई के बीच की दूरी, अब देखिए ई यहां पर है, आई यहां पर है, दोनों सीधी लाइन में है और सीधी लाइन में 1 किलोमीटर की दूरी पे है, आंसर हो जाएगा 1 किलोमीटर, बात खत्म। तो बस इतना सिंपल सा ये क्वेश्चन होता है डायरेक्शन से रिलेटेड, बस आपको फोटोग्राफ बनानी है, फिगर बनानी है और उसके बाद से फटाफट क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। तो अब आप लोग को ये पूरी की पूरी चीज क्लियर हो गई होगी क्या चीज है, बहुत ही आसान सा टॉपिक था, फटाफट कंप्लीट कर लिया आप लोगों ने, और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपको करने रहेंगे तो मैं ग्रुप में टेलीग्राम चैनल में एक बुक आप लोगों को शेयर कर दूंगा, आप उस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं, सीसैट की पूरी बुक है, उसमें कई सारे क्वेश्चंस वगैरह भी दिए हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो वहां पर जाकर के आप सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।